सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी के विरासत के इस एपिसोड में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले कुछ समय से कई जगह पंच कल्याणक हुए, हजार से ज्यादा मूर्तियों की कहते हैं नई नई मूर्तियां स्थापित की गई और उन्हें भगवान बनाया गया। अच्छी बात है, पर बहुत अच्छी बात तब होती है जो हमारी कई जगह ऐसी मूर्तियां पड़ी हैं, अतिशयकारी प्राचीनतम ही आती है। जितने जितने प्राचीन अतीत हैं आज की तारीख में, उन जगह ही अतिशय के लिए हम अपने अपने शहर से उन ओर भागते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। और वही प्रतिमाएं जब एक जगह ठुकराई पड़ी होती है, कहीं जंगल में पड़ी है, कहीं कुछ पड़ी है, उनको नहीं देखते तो कहां कहां हमें दिल में ठेस लगती है। कभी ये सोचा है? आपको दृश्य दिखा रहे समय महाराष्ट्र के गदेलगंज के गांव के सारौली गांव के, जहां पर हमारे साथ महावीर जैन है जो तीर्थ संरक्षी महासभा के प्रतिनिधि भी हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस गांव के अंदर वो 20 बार आ चुके हैं, बार बार दुहाई दे चुके हैं, पर किसी के कान में हमारे अधिकारी समिति, कार्यकारी समिति जितने भी हैं, सम्मति हैं, संरक्षण समिति हैं, जो भी है, उनके कान पर जू नहीं रह गई। यहां पर पारस प्रभु की प्रतिमा आप देख रहे हैं, लगभग 2.5 फुट की है, अभी जमीन के अंदर भी है। ऐसी मुके यहां महावीर जी कहते हैं एक नहीं, चारों तरफ मैदान में देखेंगे गांव के अंदर 25 जगह पर इस तरह की मूर्तियां और शिलालेख दबे पड़े हैं, जो ऊपर आपको 1 फुट दिखाई दे रहे हैं और अंदर संभावना है 5 फुट ही। तो दिखने वालों की बात कर रहे हैं, इस जमीन के अंदर कितने दबे हुए हैं इसकी गिनती उनके पास भी नहीं है, क्योंकि जब तक खुदाई नहीं होगी इसका इतिहास नहीं परखा जा सकता। सैकड़ों वर्ष प्राचीन मूर्तियां ही है, इनकी शक्ल देख के लग जाता है, अंदाजा लगता है इनमें कितना अतिशय होगा। इनको बचाने की, रखने की, संरक्षित करने की हमने कभी परवाह नहीं की। हम नए मंदिर बना के खड़े कर देते हैं, विरासत पुरानी छूट जाती है, जैसे पानी की लकीर खींचते हैं पीछे पानी साफ हो जाता है। बचाना होगा, जागना होगा अपनी विरासत को, संस्कृति को। जब तक नहीं बचाएंगे, नए मंदिर भी हमारे पुराने की तरह इसी इतिहास में बदलते जाएंगे। वो महाराष्ट्र के दूसरे नांदेड़ जिले में आ जाते हैं, जहां से 60 किलोमीटर पड़ता है ये जुननी। जुरुनी माने बहुत प्राचीन। यहां पर आप देख रहे हैं जैसे जमीन की खुदाई में इतिहासकारों ने निकाल निकाल कर हमारी मूर्तियां एक एक जगह लगा कर रख दी हैं। पहले ये जैनों का शहर था, जैनों की बस्ती थी यहां पर, और आज देखिए समय ऐसा बदला, एक भी जैन परिवार यहां नहीं रहता है। और इस तरीके से हमारी विरासत की, हमारी संस्कृति की इस तरीके से दुर्दशा हो रही है। इसी तरीके से जो हम आज मंदिर बना रहे हैं, दर्शन करने जाते हैं, कल वहां पर जब जैन बस्ती आसपास नहीं रहेगी, उनकी दुर्दशा 500 साल बाद कुछ ऐसी ही नजर आने लगे। इसलिए पुरानी संस्कृति को बचाने का एक असूल बना लीजिए, आने वाली परंपरा, आने वाली पीढ़ी भी समझ जाए कि संरक्षण संस्कृति का विरासत करना बहुत जरूरी है। जागे रहिए, जैन समाज को बचाने के लिए, जैन संस्कृति विरासत को बचाने के लिए यही समय शुरू होगा, तब जाके हम आगे कहीं बिगुल बजा पाएंगे, एक शंखनाद कर पाएंगे। अपनी विरासत धरोहर को बचाने के लिए हम किसी से कुछ कह पाएंगे। अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।